Ali, Munquad Ali. Manyavar, मुझे आपने जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हुए हालात पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए नियमित किया। माननीय कल हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात पर चर्चा की मांग की थी। आज सदन के अंदर जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा जारी है। कई पार्टियों के रहनुमाओं ने सदन के अंदर जम्मू कश्मीर के ऊपर अपनी बात रखते हुए चिंता जाहिर की है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार है, हालात बड़े गंभीर हैं। 32 दिन से कर्फ्यू जारी है, इतने लंबे समय से हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में ये पहला वाका है। माननीय 60 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, 5000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 9 सुरक्षा बल भी मारे जा रहे हैं, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और 500 से ज़्यादा युवाओं की आंखों की रोशनी भी चली गई। आज जम्मू कश्मीर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। माननीय सरकार कहती है कि वहाँ स्थिति सामान्य है, जबकि इतने लंबे समय से बिगड़ते हालात पर काबू ना पाना माननीय ये एक बहुत ही गंभीर बात है, इस पर हमें सोचना होगा। माननीय आज सदन के अंदर चर्चा जारी है, पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर गया, लेकिन आज तक भी वहाँ की समस्याओं का कोई स्थायी ठोस हल नहीं निकल पाया है। माननीय इसकी खास वजह है कि हमारे देश में घर में ही आतंकवाद पैदा हो रहा है। बाहर के आतंकवाद से हम आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन घर के आतंकवाद से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों का दौरा करते हैं और आतंकवाद को निपटाने की बात करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने देश में, अपने घर में जो आतंकवाद फैल रहा है उसे भी गंभीरता से लेते हुए उसको भी निपटाने का, उस पर भी गंभीरता से विचार करें। माननीय आज सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात अति शीघ्र सुधरें और इसके लिए हम सभी सरकारें एक साथ हैं और हमारी पार्टी का कहना है कि हम सबको दलगत राजनीति से हटकर मिलजुल कर जम्मू कश्मीर के हालात पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि वहां की आवाम में सरकार के प्रति विश्वास जागे और अमन चैन कायम हो। माननीय आज पूरा कश्मीर जल रहा है, इंसानियत का खून बहाया जा रहा है
हमें कश्मीर के हालात का मिलजुल कर हल निकालना होगा और कश्मीर की आवाम का दिल जीतना होगा। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कर्फ्यू में घिरे लोगों के लिए दवाइयों, पानी, खाने आदि की सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। माननीय, आज हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम से, नौजवानों से अपील करती है कि वो जम्मू कश्मीर के अमन चैन को कायम करने के लिए आगे बढ़ें और इंसानियत का पैगाम दें। माननीय, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने देश की के इंसानियत के दुश्मनों की जानिब एक शेर पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस खाते नहीं कश्मीर जलाने में, वो तरस खाते नहीं कश्मीर जलाने में। ओके, थैंक यू वेरी मच मंकड़ अली।